उज्जैन बंडवे तहसील के लिम्बोदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में विधायक मुरली मोरवाल पहुंचे और यहां पर नवीन गौशाला का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और कांग्रेस के नेता जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक मुरली मोरवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सबको गायों को बचाना अति आवश्यक है। यह गौशाला ग्रामीणों की मांग के बाद मैंने स्वीकृत की और अब यह समय सीमा में वन्य कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही में इस गौशाला में गायों को आसानी से रखा जा सकता है और आसानी से पाला जा सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में और अन्य गौशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। गौशाला का कहाँ पर आज लोकार्पण किया गया और किस प्रकार से क्या रहा? ग्राम पंचायत निमोदा के अंदर आज गौशाला का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण के साथ साथ आंगनवाड़ी का भी मांगलिक भवन का लोकार्पण हुआ है और एक बाउंड्री वॉल का लोकार्पण हुआ। मैं जब विधायक बना था सबसे पहले मैंने गौशाला की घोषणा करी थी और मंजूर करी थी और वहाँ से मैंने काम हिमोदा से काम चालू करा था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के निर्देश पे एक एक विधानसभा में चार चार गौशाला दी थी, तो मैंने पारस्परिकता के आधार पर सबसे पहले हिमोदा के अंदर दी और आज ये बन के तैयार हो गई। आज मैं इतना खुश हूँ कि सबके पहले बड़नगर तहसील के अंदर गौशाला तैयार और इतनी अच्छी गौशाला बनी जहाँ पर गाय माता रहेगी, उससे गाय माता को यहाँ पर रहने में कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आगे पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करवाया यहाँ पे गौशाला का। इसलिए सभी गांव पंचायत को सरपंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट सर, किस प्रकार से नल जल योजना का शुभारंभ किया गया था और किस प्रकार से क्या रहा? बड़नगर तहसील के अंदर मैंने 3 नल जल योजना का आज मैंने भूमि पूजन करा है और गाँव वालों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि गांव में हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, यहाँ पे नल की टोटी है। तो मैंने आज सुबह 11 बजे मोलाडा के अंदर नल जल योजना का लोकार्पण करा, भूमि पूजन। उसके बाद मैंने गांव पलसोड़ा के अंदर भूमि पूजन करा और उसके बाद मैंने सिकंदरखेड़ा में इसका मैंने भूमि पूजन करा है नल जल योजना का। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास बढ़ना का तहसील के अंदर हो। वो 7 नल जल योजना मैंने मंजूर करी थी, 3 का तो मैंने लोका भूमि पूजन कर दिया है और 4 का भूमि पूजन मुझे और करना है। और मैं चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर नल जल योजना चालू हो और वहां के रहने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, गौशालाओं का फायदा होगा और सरकार की क्या मंशा थी, आप जब कांग्रेस की सरकार थी क्या रहा? आज ग्राम पंचायत निमोदा में गौशाला का लोकार्पण किया गया है, एक यहाँ पे बाउंड्री वाल का भी लोकार्पण किया गया है। बंडेगर जनपद में मतलब विधानसभा में कम से कम 4 गौशाला स्वीकृत की गई थी, उसमें से करीब करीब 3 तो कंप्लीट हो चुकी है और 1-2 का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी की मंशा थी कि जो बीजेपी सरकार, बीजेपी के नुमाइंदे हमेशा गाय के नाम से रोटी सेकते थे, राजनीति करते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने ओरिजिनल में गौशाला बनाई है और रोड पे जो गाय घूमती थी और उससे एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे हजारों लोग मर चुके हैं, एक गायों मर चुकी है, लेकिन सिर्फ बीजेपी वाले हमेशा गाय के नाम से वोट लेके चले जाते थे, लेकिन हमारे कमलनाथ जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा था। कम से कम 1000 गौशाला करीब करीब कंप्लीट होके जैसे आज भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ, ऐसे लोकार्पण कंटिन्यू चल रहा है। तो हम जो कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती है, बीजेपी सरकार आज तक जो भी है भी बोला वो कुछ भी नहीं करा। अजय भैया बताइए, गौशाला कहाँ पर शुभारम्भ किया गया और किस प्रकार से क्या रहा? ग्राम निम्बोदा में आज गौशाला का लोकार्पण कार्यक्रम था। इस गौशाला बनने से ये सुविधा होगी कि जो गांव, जो गायें आवारा घूमती थी और रोडों पे घूमती थी जिससे एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती थी, तो वो गाय का यहाँ आश्रय मिलेगा और गाय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। और आज इस गौशाला लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय विधायक जी भी पधारे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी पधारे और जिला पंचायत सदस्य जी पधारे और जो भी अतिथि बुलाए थे आसपास के गांव के, गांव पंचायत के और सभी ग्राम पंचायत निम्बोदा मार्केट के सभी ग्रामवासी पधारे यहाँ पे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सुचारू रूप से आज लोकार्पण। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।